क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस कर लें। ये कह रहा है शो दैट टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व की इक्वेशन है, इस पे कोई भी टेंजेंट और x की वैल्यू जहाँ पर 2 है और x की वैल्यू अगर -2 है तो दोनों ही पोजीशंस पे टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगे। तो हमें टेंजेंट्स पैरेलल प्रूव करना है तो इसका मतलब हमें उनका स्लोप इक्वल शो करना है। तो स्लोप्स के लिए सबसे पहले कर्व को हमने डिफरेंशिएट किया dy ओवर dx, तो ये आ गया 21x2। तो 21x2 है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 2, तो ये क्या होगा, दैट विल बी 21, x की जगह पे 2 डाल लो, 2 का स्क्वायर यानी 4, तो 21 × 4 विच इज 84, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट m1। और फिर एट x इक्वल्स टू -2 बोलेंगे तो स्लोप क्या होगा, स्लोप हो जाएगा 21 × -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर भी +4 ही होगा, तो 21 × 4 अगेन इट इज़ 84, तो m2, तो दोनों का स्लोप इक्वल आ रहा है, तो दिस इम्प्लाइज m1 = m2। देयरफॉर हम बोलेंगे टेंजेंट्स आर पैरेलल। बस यही मुझे इसमें शो करना था। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है फाइंड करिए पॉइंट्स, तो पॉइंट्स निकालने और इस कर्व पे होने चाहिए पॉइंट्स, और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मतलब क्या है कहने का, सबसे पहले तो मैंने अज्यूम किया लेट पॉइंट इज x1 y1, ये हमने मान लिया पॉइंट है, तो ये अगर पॉइंट है तो ये कर्व पे लाई करेगा तो कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा y1 = x1³। एक इक्वेशन मुझे ये मिल गई। फिर कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx वहाँ से आ गया मेरे पास 3x², तो यहाँ से वी कैन से कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 3x² ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो पॉइंट ये है, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, y1, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ द कर्व, ये कर्व का स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y1, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट यानी y1। और फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या बोला, y1 किसके इक्वल है, फर्स्ट इक्वेशन में हमने बोला है y1 x³ के इक्वल है, तो अब इसको लेफ्ट साइड पे ले आओ ऐसे x³ और कॉमन ले लो दोनों में से, x² कॉमन आ गया, बच क्या गया 3 - x1। अब दोनों को एक एक करके 0 के बराबर इक्वेट कर लेते हैं, दिस इक्वल टू 0 एंड 3 - x1 = 0, तो यहाँ से तो आ गया x1 मेरा 0 और यहाँ से आ गया x1 = 3, तो x1 को 0 हम डाल लेते फर्स्ट इक्वेशन में तो y1 मिल जाएगा, तो y1 भी मेरा 0 आ गया, x1 को 3 डालेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो y1 क्या आएगा, x³ दैट इज 27, कहाँ से निकला ये, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो अब आपके पास फाइनली आंसर जो आएगा हम बोलेंगे पॉइंट्स आर, क्या क्या है, एक तो है 0 0 एंड दूसरा क्या है 327, बस ये मेरा आंसर आ गया। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 में ये हमें कर्व दे रहा है और फाइंड ऑल पॉइंट्स, फिर से पॉइंट्स निकालने हैं, तो लेट हमने क्या बोला, लेट पॉइंट्स आर या पॉइंट इज बोलो पहले, तो सॉल्व होके मोर देन वन पॉइंट आएंगे वो अलग बात है, लेट पॉइंट इज x1 y1, तो ये भी कर्व पे लाई करेगा तो क्या बनेगा, y1 = 4
एक्स वन क्यूब माइनस टू एक्स वन फाइव, ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। अब कर्व को डिफरेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ गया 12x² माइनस 10x4, तो ये मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया 12x² एंड एक्स की पावर 4। तो यहाँ पे x की जगह x1 डालेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज़ x की जगह x1 डल गया, यानी 12x² माइनस 10x1 की पावर 4, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लगा लेते हैं, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1, तो क्या आएगा, वो आएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप 12x² माइनस 10x1 4, ये हो गया स्लोप, और x माइनस x1, ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। अब क्वेश्चन ने बोला कि टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजन, ओरिजन मतलब 0 0, तो इसका मतलब 0 0 इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो पुट कर लो x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0। ये ध्यान रखना x1 y1 की जगह नहीं डलेगा, x1 y1 क्या फिक्स्ड पॉइंट है, तो x की जगह 0 y की जगह 0, तो ये ऐसे हो गया 12x² माइनस 10x1 4, x की जगह पे 0 डल गया ऐसे, तो दोनों तरफ से माइनस वाली टर्म कट जाएगी, तो बच क्या गया y1 इज इक्वल टू 12x1 को इससे इनटू करेंगे तो x1 का क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5, ये आ गया। अब फर्स्ट इक्वेशन से हमें पता है y1 इसके इक्वल है, तो इसकी जगह हमने लिख लिया 4x³ माइनस 2x1 की पावर 5 इज इक्वल टू 12x³ माइनस 10x1 की पावर 5 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो अब जो राइट हैंड साइड पे टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं, तो 10x1 की पावर 5 पहले जाएगा, तो ये ऐसे प्लस हो जाएगा, इसके साथ x1 की पावर 5 इसको लिख लिया 2x1 की पावर 5, फिर है 4x³ और माइनस 12x1 का क्यूब, ऐसे हो गया। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो 8 आ गया, 8x1 की पावर 5, इनको सॉल्व किया तो ये हो गया माइनस 8 x1 की पावर 3, ऐसे हो गया। तो दोनों में से कॉमन ले लो, मैक्सिमम 8 आ सकता और x1 की पावर 3 आ जाएगा, तो बचेगा x1 की पावर 2 माइनस 1, ये बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ x³ इक्वल टू 0 एंड x²² इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हुआ। दैट मीन्स यहाँ से निकला x1 इज 0 और यहाँ से स्क्वायर है, इसलिए x1 क्या आएगा, एक बार प्लस 1 और एक बार माइनस 1, तो फाइनली x1 की वैल्यू एक 0 आई, एक वैल्यू आई माइनस 1 और एक वैल्यू x1 की आई 1, तो तीन वैल्यूज आ गई x1 की। तो इन तीनों को फर्स्ट इक्वेशन में डाल लेते हैं यहाँ पर, तो वहाँ से y1 आ जाएगा, तो 0 डालेंगे तो y1 तो मेरा 0 आएगा, और x1 की जगह माइनस 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस फोर प्लस टू हो जाएगा, विच इज़ -2, और अगर हम x1 की जगह 1 डालेंगे तो y1 आएगा 4 माइनस 2, यानी +2 आएगा। तो फाइनली जो पॉइंट्स आए, पॉइंट्स ही निकालना हमारा ऑब्जेक्टिव था, पॉइंट्स आर एक तो हुआ 0 0, एक हुआ -1 -2 और एक हो गया 1 2, बस ये हमारा आंसर है। तो एक बार हम ब्रीफली डिस्कस कर लें क्वेश्चन में क्या बोला था और क्या हमने किया है। क्वेश्चन ने हमें कर्व की इक्वेशन दी थी और हमें पॉइंट्स बताने थे, उसके लिए कंडीशन थी कि टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजन, तो पॉइंट्स निकालने, इसलिए मैंने x1 y1 मान लिया, तो ये जो पॉइंट है ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो वहाँ से मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। कर्व को डिफरेंशिएट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, उसमें x की जगह x1 डल गया,
फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल गई x1 और y1 के टर्म्स में, और क्योंकि टेंजेंट पासिस थ्रू 0 0, तो x की जगह 0 डलेगा, y की जगह 0 डलेगा, तो वहाँ से मेरे पास ये रिलेशनशिप आ गया। अब इस रिलेशनशिप में y1 को रिप्लेस कर लिया फर्स्ट इक्वेशन से, तो सॉल्व करके x1 आ गया। x1 की वैल्यू फिर फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो y1 की वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो फाइनली ये मेरा पॉइंट्स आ गया, बस खत्म।